सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर को मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो गाइस, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो रहेगा ITBP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन होना है, रिटर्न एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आना है उसमें आपके मिनिमम कितने मार्क्स अगर होंगे तो आपकी सिलेक्शन होना 500% तय है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके ITBP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन में जो आपके आपके जो कट ऑफ होने वाला है उसके ऊपर बेस्ड है वीडियो, तो प्लीज इसको अंत तक देखिएगा दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कितनी कट ऑफ रहने वाली है और हमको कितने मार्क्स लाना पड़ेंगे और लाने हैं। तो भाई सबसे पहले बता दूं, मैं आपको पता है 50 नंबर का पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होती है। ओके, तो गाइस 1.5 घंटे का कुछ समय मिलेगा। एंड अदर थिंग ये है दोस्तों कि ऑफलाइन पेपर होगा। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं सभी कैटेगरी की बात करूंगा दोस्तों, सभी कैटेगरी वाइज बात करूंगा और चाहे ट्रेड कोई भी हो मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर जनरल कोटा के लिए, ठीक है, क्योंकि जनरल की सबसे वैकेंसीज होती है। अब मैं बात करूँ जनरल कोटा के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है, बात ये करूंगा कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। पेपर है 50 नंबर का, ओके, आपको जनरल कोटा के लिए आपको कम से कम भी मेरे हिसाब से, मैं आपको बताऊं, अगर आप इतना लाते हो तो पक्का आपके आप फाइनलिस्ट में आ जाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं आपको 44 नंबर, अगर आपके 50 में से 44 नंबर है, अगर आप जनरल कोटा से बिलोंग करते हो तो भाई आप फाइनल मेरे लिस्ट में आ जाओगे 100%, 400% है, समझ आ गई बात। 50 में से 44 नंबर लाने हैं आपको अगर आप जनरल कोटा से बिलोंग करते हो, कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो या अगर जनरल कोटा से बिलोंग करते हो, 44 नंबर आपको 50 में से लाने ही लाने हैं। बात करूं मैं अभी ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करूं मैं, तो 50 नंबर का पेपर है जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, अगर आप ओबीसी हो तो कम से कम भी 41 से 43 नंबर आपको लाने हैं, 41 से 43 मार्क्स आपको लाने हैं आउट ऑफ 50। इतने ले आओगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, नहीं लाओगे तो दुविधा में रहोगे, वेटिंग में रहोगे। ओके, और गाइस एक और बात बता दूं, ये जो वैकेंसी की जो आपकी कट ऑफ होती है स्टेट वाइज नहीं निकलती है, इस सेंट्रल वाइज वैकेंसीज होती है, तो सेंट्रल वाइज वैकेंसी स्टेट वाइज कभी भी इसकी कट ऑफ नहीं निकलती। ओके, अब मैं बात करूं गाइस एससी की, शेड्यूल कास्ट की, 50 नंबर का पेपर है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 38 to 39। अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, गारंटेड है गाइस, गारंटेड है बिल्कुल। ओके, तो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ काफी डाउट आ रहा हूँ आपके मन में, काफी कमेंट भी आ रहे थे तो उसके बिहार पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो, एसटी हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 35 मार्क्स प्लस लेके आने हैं, तब आपका जाके सिलेक्शन 100% हो जाएगा बिना किसी दुविधा के साथ में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि 44 नंबर जनरल के लिए, 41 से 43 नंबर ओबीसी, ठीक है गाइस, 38 to 40 एससी, ओके, एंड 36 प्लस फॉर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए गाइस। तो चार कैटेगरीज है गाइस, मैंने आपको चारों कैटेगरीज में मार्क्स बता दिए हैं कि कितने मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं, अगर आप इतने मार्क्स लाते हो तो 400% आपका सिलेक्शन होने वाला है गाइस, ठीक है। तो गैदरिंग इतनी नहीं होगी बच्चों के, इतने बच्चे तो नहीं है, और आपको मैं आंकड़ा भी नहीं बताऊंगा बार बार गाइस, आप जानते हैं कि आंकड़ा कितना है, और किसी फेक आरटीआई के ऊपर आप मुझसे सवाल कर रहे थे तो वो आरटीआई फेक थी, उसमें ऊपर लिखा था कि रिजल्ट आएगा दिसंबर में और नीचे लिखा था 45 और 45। तो गाइस ये जो ऊपर लिखा था ना रिजल्ट आएगा दिसंबर में, ये था, ये फीके रंग फीका था, ये मतलब लाइट कलर में था और ये डार्क कलर में था, तो सरासर फोटोशॉप एडिटिंग की थी उस आरटीआई में और कुछ नहीं। ओके, तो गाइस कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, स्टेट वाइज कभी भी कट ऑफ नहीं जाती है, सेंट्रल वाइज कट ऑफ जाती है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगी हो। तो गाइस इतने मार्क्स ले आओ, सिलेक्शन पा लो, वर्दी ले लो, नहीं लाओगे घाटे में रहोगे, वेटिंग में रहोगे। अभी भी समय बहुत मिल गया आपको, और मैं नहीं चाहता हूँ कि समय का आप दुष्प्रयोग करो, ठीक है, इतना समय मिल गया यार, अभी तो आपका टॉप टॉप मारना बनता है, कट ऑफ में आना तो बनता ही है यार आपका,
इतने मार्क्स ले आओ तो सिलेक्शन ना हो जाएगी आपकी, 100% हो जाएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई। और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा कोई सब्सक्राइबर, मेरे एक यूट्यूब फैमिली कोई ज्वाइनिंग कर चुका है TVP, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हो या ना हो मुझे अपने से मतलब, मुझे आपसे मतलब है, क्योंकि दोस्तों आप ही मेरी ऑडियंस है, आप ही ने ही मेरे चैनल को इतना बड़ा बनाया है, अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ यूट्यूब का, तो आप ही ने दोस्तों, आप ही लोग जो इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे हर एक काम को सपोर्ट कर देगा इस, ठीक है। तो अच्छा लगा मेरी वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, सबसे मत बोलना। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।